नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y33s versus Realme 8i का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo Y33s में 6.46 इंच जबकि Realme 8i में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Vivo Y33s में 2.99 इंच जबकि Realme 8i में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Vivo Y33s से कम है। बात करें थिकनेस की तो Vivo Y33s में 0.31 इंच जबकि Realme 8i में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo Y33s से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo Y33s में 182 ग्राम जबकि Realme 8i में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo Y33s से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Vivo Y33s में 20:9 जबकि Realme 8i में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo Y33s में 6.58 इंचेस जबकि Realme 8i में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo Y33s में 1080x2408 और Realme 8i में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo Y33s में 83.76% जबकि Realme 8i में 84.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo Y33s में 401 पिक्सल प्रति इंच जबकि Realme 8i में 400 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo Y33s में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme 8i की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo Y33s में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme 8i की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo Y33s में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Realme 8i में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo Y33s में Mali G52 जबकि Realme 8i में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo Y33s में MediaTek Helio G80 और Realme 8i में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo Y33s में 8GB की RAM मिलती है जबकि Realme 8i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Vivo Y33s में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme 8i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Vivo Y33s में अप टू 1TB जबकि Realme 8i में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo Y33s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme 8i की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 गीगाबाइट रैम 64 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Vivo Y33s में 5 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 8i की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y72 5G है जो कि 20,990 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Poco X3 Pro है जो कि 20,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Poco F3 GT है जो कि 30,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 50A है जो कि 11,499 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।